जेई मेंस 2025 वाले बच्चों के लिए अर्जेंट इम्पोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट है। ये आखिरी मौका है, इसके बाद फिर आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, ये ध्यान दीजिएगा। चाहे वो सेशन टू हो, चाहे वो आपका काउंसलिंग में हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अपने जितने भी फ्रेंड हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा, हर एक 1-to-1 गाइडेंस आपको कॉलेज छोड़ के आने तक, आपका काम है मन लगा के अच्छे से आखिरी दिनों में पढ़ाई करना। जो भी आपकी रैंक परसेंटाइल आएगी, उसमें मेरी गारंटी आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज सजेस्ट किया जाएगा। पढ़ना आपका काम है, जितना मन लगा के पढ़ाई करेंगे उतने आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अदरवाइज फिर ये चीज़ें चेंज नहीं होगी सेशन टू में भी, क्योंकि इस बार आप जानते होंगे अभी आप सेशन वन का फॉर्म भरे हो, और जो आपका सेशन टू का फॉर्म भरोगे वो ओनली आपको लॉगिन करना है। ऐसे आपको पूरा न्यू नहीं भरना है, केवल जो आपका एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाला, लॉगिन किया एंड फी डिपॉजिट किए, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट सेशन में रजिस्टर नहीं किए हुए होंगे उन्हें एज अ न्यू कैंडिडेट करना है रजिस्ट्रेशन। तो जो अभी आप चेंज करोगे वही आपका सेशन टू में भी रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर अभी भी आपने कैटेगरी जनरल भरी हुई है, और अगर आप EWS, OBC, SC, ST के हो, तो आप अपनी कैटेगरी EWS, OBC, SC, ST 26 से लेकर 27 नवंबर के बीच में चेंज कर सकते हो। अदरवाइज फिर आपका बाद में चेंज नहीं होगा। जो आपका काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट मांगेगा तो आपको वहां पे लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा। बट आपका यहाँ पे चेंज नहीं होता है। कुछ बच्चों को लगता है भैया काउंसलिंग में चेंज हो जाए, हाँ जो अपनी स्टेट की काउंसलिंग होती है वहाँ पे अपनी कैटेगरी लगा सकते हो, बट जो अपनी सेंट्रल लेवल की जोसा हो गया, सीसैप हो गया, वहाँ पे आप काउंसलिंग में आपको एज अ जनरल ही माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जिन बच्चों को कैटेगरी चेंज करना है, और हाँ जो बच्चे EWS, OBC, SC, ST वाले हैं और वो अगर जनरल के हैं तो वो भी चेंज कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप अभी जनरल कैटेगरी भरे हुए हो क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, मैंने आपको पहले कहा था अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने में जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है वो आप भर के EWS, OBC, SC, ST आप जो भी हो ये ध्यान दीजिएगा, आप चेंज कर लीजिए। अदरवाइज फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा करेक्शन विंडो में कुछ और चीजें, जैसे आपका फादर, मदर एंड आपके नेम में, तीनों में से कोई एक चेंज कर सकते हो। तो अगर किसी ने गलती की है तो जो भी चीजें चेंजेस है, अभी एक बार फिर से अपने फॉर्म को जब आपको स्टार्ट होगा कैसे पूरा करना है मैं डिस्कस कर दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा फॉर्म अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई भी गलती है उसे चेंज कर लेना। क्योंकि जब आपका सेशन टू का फरवरी में स्टार्ट होगा, देन आपको जो चीजें रहेंगी आप जानते हो, जो मैंने आपको बताया कि आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और पासवर्ड डालना है अपने लॉगिन में, और वहीं से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, फी पे कर सकते हो। मैं कैसे करना है डिस्कस करूंगा। फिर से बोल दे रहा हूं ध्यान से, जिन भी बच्चों को लगता है वो जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर बाद में नहीं होगा। और किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और कुछ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और कुछ आपको चाहिए हमसे कि भैया ये चीजें लेके आइए, हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें आपके 3 क्वेश्चन हमने करवा दिए। हर दिन आपका 1 से 2 क्वेश्चन आएगा जो कि आपका डायरेक्टली एग्जाम में आना ही आना किसी शिफ्ट में, तो जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय। जय हिंद।